नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने थर्ड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है 23 तारीख को और 24 तारीख को, उसके लिए एडमिट कार्ड जारी किए हैं। तो आपके स्क्रीन पर एक एडमिट कार्ड दिख रहा होगा, जीवज कुमार के नाम से है ये एडमिट कार्ड, है ना। तो इस एडमिट कार्ड में नीचे में देखिएगा आप, तो वहाँ पर एक QR कोड दिखाई देगा। इस QR कोड का अगर आप लोग स्कैन कीजिएगा तो जीवज कुमार का डिटेल आना चाहिए, लेकिन ये जीवज कुमार का डिटेल ना आकर किसी और का डिटेल आता है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि किसका डिटेल आता है। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये एडमिट कार्ड जिसको हमने पहले दिखाया था। अब क्या करेंगे, इसी एडमिट कार्ड को जो है हम यहाँ पर स्कैन करने वाले हैं। ये जो QR कोड आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, इसी QR कोड को हम स्कैन करने वाले हैं। तो हमारे पास एक एप्लीकेशन है डॉक स्कैनर करके, तो आपके पास भी कोई भी एप्लीकेशन होगा तो उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके जो है आप लोग इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जाना है आपको QR स्कैनर पे। QR स्कैनर पे गए, अब इस QR कोड को देखिए स्कैन करते हैं। अभी ये इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, तो जूम कर दिए। देखिए QR कोड स्कैन होते ही किसका आया, निशांत कुमार के नाम से। ठीक है, निशांत कुमार के नाम से आ गया। लेकिन जब कि ये जो एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है किसके नाम से हुआ है, आप लोग दिख रहा होगा आप लोग यहाँ पर जीवज कुमार के नाम से, है ना। रोल नंबर भी देख सकते हैं 6042570, लेकिन जैसे ही इस QR कोड के पास लेके जाएंगे तो देखिए इसका 6031 8640, ये है आपका रोल नंबर और निशांत कुमार के नाम से आ रहा है। तो ये जो BSSC है ये क्या बोलती है कि 7 लेयर में, आज ही के पेपर में पढ़ रहे थे कि 7 लेयर में क्वेश्चन पेपर जो है ये एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएगा, जैमर लगा होगा। तो भैया ये सब करके क्या फ़ायदा होगा, है ना। आप लोगों को सेटिंग करना होगा, धांधली करना हो तो आप लोग ऊपर से ही कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग के पास नमूना पेश ही है, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये लोग एडमिट कार्ड से ही धांधली सेटिंग किया हुआ है ना। और फिर क्या होगा कि आप लोग कुछ नहीं लेके आ सकते वहाँ से, ना कार्बन कॉपी लेके आ सकते, ना क्वेश्चन पेपर लेके आ सकते हैं। डायरेक्ट कुछ दिन के बाद एग्जाम का रिजल्ट आता है और कुछ लोगों का रोल नंबर तो जो कि पास किया होता है, बाकी लोग है ना कितना क्वेश्चन सही हुआ, गलत हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ नहीं बताती, डायरेक्ट रिजल्ट जारी करती है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पहले ही पता होगा कि इससे पहले भी जो एग्ज़ाम हुआ तो उसमें 150 में से 132 कटअप गया था। बताइए 132 कटअप जाना कितना टफ काम है, फिर भी जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, धांधली सेटिंग करता है। तो यही सब तरीका जो है ये BSSC वाला, बिहार कर्मचारी चयन आयोग वाला जो है अपना रहा है। तो इसके खिलाफ़ जो है आप लोगों को आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी कर्मचारी चयन आयोग का जो ये करतूत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग का, है ना, इसके बारे में पता चले। ठीक है, और आप लोग भी अपना अपना चेक कीजिए कि आप लोगों का भी तो कहीं गड़बड़ नहीं है। तो बस इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद।